टॉपिक वक्त बोर्ड का है और टारगेट पर मोदी सरकार है। मौलाना और विपक्ष अपने अपने तरीके से मुस्लिम मोहल्लों में फेक नैरेटिव वायरल कर रहे हैं। वक्त बोर्ड पर फैलाई जा रही ये थ्योरी क्या सरकार के खिलाफ है, क्या ये कारगर हो पाएगी या फिर मुस्लिम समुदाय एजेंडे को एक्सपोज कर रहा है, ये जानने के लिए हमने देश के 4 राज्यों के 10 शहरों से खास पड़ताल की है। मुस्लिम मोहल्लों में जाकर ये समझने की कोशिश की है कि मुसलमान वक्फ बोर्ड पर मोदी के सपोर्ट में हैं या विरोध में हैं। और फिर ऑन कैमरा जो सामने आया उसने एंटी मोदी गैंग को बहुत तगड़ा शॉक दिया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखा। वैसी हो या अरशद मदनी हो या समाजवादी पार्टी के कोई सांसद हो, इन्हें वोट बैंक की राजनीति करना है। मुसलमानों के दिलों में भय पैदा कर ये वोट हासिल करते हैं। ये तो अंधेरी नगरी मचा रखी है इन्होंने, वक्फ बोर्ड वालों ने, जो सबों की जगह छीन रहे हैं और महंगे में बेच रहे हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ करी थी इसलिए कि हमारे काम आए जिंदगी में, लेकिन सब और लोग मजा उठा रहे हैं, हम बेकार हैं। जितने भी वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं, सदस्य हैं मुस्लिम, उनका बायोडाटा उठाओ। पहले वो कुछ नहीं थे, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनकी कोठी बंगले आप चेक करो, उनके खर्चे चेक करो। होता है कि प्रॉपर्टियां पड़ी हैं लोगों की, अवैध कब्जे करे पड़े हैं लोग, उसका किराया खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। कि भाई एक टीम बनना चाहिए जिसके एक सरकार की निगरानी में सारे काम हो। इसके आप विरोध या हम पक्ष की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए जो मुस्लिम औकाफ की संपत्तियां हैं उनका प्रयोग किया जाए। हम महिलाओं को निकालने का उनका क्या इरादा है आप लोग समझ सकते हैं ना, क्योंकि हम महिलाओं का वो सामना नहीं कर पाएंगे ठीक से। ये वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ मुसलमानों का शंखनाद है। सीधा सीधा ऐलान है कि किसी की निजी संपत्ति पर वक्फ का कब्जा अब नहीं चलेगा। सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा बिल 8 अगस्त को पेश किया और फिर उसके बाद जेपीसी को भेज दिया गया। मोदी सरकार की कोशिश है वक्फ बोर्ड में संशोधन करके आम मुसलमानों का हित किया जाए और मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इसीलिए इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। ये लोग जो मुसलमान को भड़का रहे हैं विपक्ष के लोग, तो ये दिन की तुष्टिकरण की राजनीति है। ये हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कोई भी सरकार बिल लाती है तो उसको पहले समझा जाए, ना कि उसका प्रोपेगेंडा बना के हिंदू मुसलमानों में बांट के उसका भ्रम और शहर का माहौल खराब किया जाए। बहुत अच्छा कानून है, बहुत बढ़िया कानून है, लागू होना चाहिए। मालिक को चीज मिलनी चाहिए, मालिक का कब्जा होना चाहिए, जो वो उसे यूज करे या अपने बच्चों को यूज कराए। एक अच्छा कदम है ये, इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। बिल आने दीजिए, बिल देखते हैं उसमें क्या चेंजिंग करी है। आने से पहले ही आप एक माहौल खराब करने का वो बना रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। गुमराही की राह ज्यादा नहीं चलेगी, पहले लोग भटक चुके हैं। मैं मानता हूँ आगे कोई भी इनकी हिंदू मुस्लिम की जो एक वो बनाना चाह रहे हैं दीवार एकता के बीच में, वो दीवार नहीं बना पाएंगे। मुरादाबाद के मुसलमानों में वक्फ बोर्ड के बदलाव पर जो जागरूकता या फिर जानकारी है वो देश के हर शहर के मुस्लिम मोहल्लों में नहीं, और विपक्ष इसी का फायदा उठा रहा है। आधी अधूरी जानकारी को खास नैरेटिव के साथ वायरल किया जा रहा है। मुस्लिम इलाकों में नैरेटिव ये फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव होगा तो भविष्य में आम मुसलमानों की जमीन हड़प ली जाएगी। ये झूठ भी धड़ल्ले से प्रसारित किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करके सरकार उन्हें बेघर कर देगी, और ये प्रोपेगेंडा भी मुस्लिम मोहल्लों में तेजी से वायरल हो रहा है कि सरकार इसके बाद कुरान में बदलाव कर देगी। कैसे विपक्ष अपने एजेंडे के तहत लोगों को गुमराह कर रहा है, इसका उदाहरण आगरा और अमरोहा में सामने आया। ये हमारा शरीयत का और कुरान शरीफ का तो इसमें दखल है और किसी का नहीं है, अदर पार्टी का हो नहीं सकता। जब सबके अपने अपने मसाइल हैं, गुरुद्वारे में जाओ तो पंजाबियों का अलग है, सिखों का, हिंदुओं का अलग है, तो फिर हमारे में क्यों दखल अंदाजी है। जिनकी जमीनें छिन गई हैं वक्फ बोर्ड की और जिसमें कि सरकार ने ले ली है, किसी और व्यक्ति ने ले ली है, तो वक्फ बोर्ड को ये अथॉरिटी होती है कि वो उनके लिए केस लड़े उनके फेवर में, जिससे कि उनकी जमीनें वापस आ सकें। तो उसमें यह है कि
जो भी ये मुद्दा उठा रहे हैं, मुस्लिमों के कानूनों में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। मुस्लिमों का कानून जो होता है वो एक तरीके से शरीयत के अकॉर्डिंगली चलता है। बाप की संपत्ति को कानून लेकर गए बिल्कुल गलत है, इसका हम विरोध करते हैं, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहां महिलाओं की भी भागीदारी है, ये कोई नया मामला नहीं है, और समाजवादी पार्टी जो कह रही है वो सही कह रही है, और जनता के हित के लिए वो इसका विरोध करती रहेगी, हमेशा करती रहेगी। मुस्लिम समुदाय के इन ज्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम है कि सरकार वक्फ बोर्ड में सुधार क्यों करना चाहती है। ये सिर्फ विपक्ष के फैलाए जा रहे नैरेटिव में उलझ रहे हैं। इसीलिए वक्फ बोर्ड पर दो तरह की राय मुस्लिम समाज से मिल रही है। पहले वो लोग हैं जो मोदी सरकार के साथ हैं। दूसरी कैटेगरी में मौजूदा वक्फ बोर्ड के समर्थक आते हैं। अब कितने परसेंट लोग खिलाफत में हैं और कितने सपोर्ट में हैं, इसका कोई सटीक आंकलन तो नहीं, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी, जमात इस्लामी हिंद के मलिक मुतासिम खान, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के एस एम यासीन, AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्ला और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले तमाम दल वक्फ बोर्ड के बहाने भड़काऊ एजेंडा सेट कर रहे हैं। यह अलग बात है कि दिल्ली का मुस्लिम समुदाय ऐसे किसी भी झांसे में नहीं आता दिख रहा। वो नाराज हुए हैं जो कांग्रेस के बिट्टू हैं, जिन्होंने माल खाया है कांग्रेस में, वक्फ बोर्ड में रहते हुए उनकी संपत्तियों की चेकिंग कराओ आप। उस जमाने में क्या थे, कुछ लोग तो रिक्शा पे जाते थे, आज स्कॉर्पियो मर्सिडीज आप फॉर्चूनर गाड़ियां, उनपे कौन से बिजनेस है उनके, वक्फ बोर्ड के में जो भी बनता है वही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि माल खाते 3-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए रसीदों के लेते ही है। आप उनसे जाके पूछो जिनके किराए बढ़ाए हैं, आप उनके इमामों की तनख्वाह कौन सी दे रहे हैं। वैसी वैसी तो अपनी सीट चमकाते हैं ना, जब तक ये बात नहीं करेंगे तो कैसे मामला होगा। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो अपने आप को चमका रहे हैं और पूरे पूरे राजनीति वो कर रहे हैं, बस सिर्फ मुसलमान जरा सा अनपढ़ होता है, इस वजह से हम लोगों को ज्यादा पता नहीं होती, जो वो पढ़ लिख कर इसलिए वो अपने आप को चमका रहे हैं। वो वैसे तो वक्फ बोर्ड में पहले भी संशोधन हुए हैं, लेकिन तब शक्तियों का विस्तार हुआ था इसीलिए किसी को एतराज नहीं था, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने पर कतरने शुरू किए तो आसमान सिर पर उठा लिया गया। बखेड़ा खड़ा कर ये जताने की कोशिश की गई कि मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द वही हैं, लेकिन बरेली से बुरहानपुर तक वक्फ की सच्चाई जानने वाले विपक्ष के सियासी मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। जिन मुसलमानों की जमीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया गया, अगर वो मुफ्त होती है तो मुसलमानों का ही इसमें लाभ है, ना कि किसी गैर मुस्लिम का है, तो ये तो बेहतर है। अगर मुसलमानों को हक दिला रहे हैं, मुसलमानों के हित के लिए है, तो बहुत बेहतर है ये। और आगे अगर जो बिल आता है इसको देखते हैं, अभी तो बिल ही नहीं आया है, जब बिल आएगा तब इसकी सच्चाई और हकीकत का सामना करना पड़ेगा। मदनी जी वगैरह और ये असदुद्दीन अवैसी जी वगैरह, इनकी ड्यूटी बन गई है मुसलमानों को बहकाने की। और मैं खासतौर से आपको बता देना चाहता हूँ, इस बार के जो वक्फ बोर्ड के संशोधन हैं वो मुसलमानों के हित में हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि ये खुद भी स्टडी करें, और मुसलमान जो अभी तक के बेचारे इनके बहकावे में आते रहे हैं वो भी स्टडी करें, तो पता चल जाएगा। मोदी हो या चाहे कोई और, अगर इनकी नीयत में कोई खोट नहीं है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और समानता के लिए सरकार बीजेपी की काम कर रही है, और उसी उद्देश्य से इसमें समानता लाने की बात की गई है, तो इसमें कोई मैं बुराई नहीं समझता। मोदी सरकार का वक्फ बोर्ड को लेकर एक और प्रस्ताव है, और वो है कम से कम 2 महिलाओं का प्रतिनिधित्व। लेकिन कुछ मौलानाओं को महिलाओं की ये भागीदारी रास नहीं आ रही, वो इसे शरीयत के खिलाफ बता रहे हैं। हालांकि मौलानाओं की इस आदिम युग वाली सोच पर वाराणसी की महिलाएं सवाल उठा रही हैं। ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं या जो विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए वक्फ अपनी संपत्ति के या वक्फ के पास जो आय है उससे उनको कुछ सहूलियत दे, उनको पेंशन दे, गुजारा भत्ता दे, कुछ तो करे वक्फ, तब तो लगता है कि हाँ समाज के लिए वो फायदेमंद है। या फिर अपनी सिर्फ जेबें भरने के लिए वक्फ को बना करके बैठना और ये कहना कि वक्फ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप भारत के पक्ष में या महिलाओं के पक्ष में जो भी बात होगी उसमें हम कहेंगे कि टच मी नॉट, हमें टच मत करिए, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। वक्फ बोर्ड जो
आप लोग संपत्ति होती है उसको ले सकते हैं, उसमें वक्फ बोर्ड में महिलाओं के लिए जगह नहीं है, तो आपको लगता है कि उसमें महिलाओं को भी जगह होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, महिलाओं की जगह क्यों नहीं होगी। हम महिलाओं के निकालने का उनका क्या इरादा है आप लोग समझ सकते हैं ना, क्योंकि हम महिलाओं का वो सामना नहीं कर पाएंगे ठीक से, इसलिए हम लोग को निकालना चाह रहे हैं। वो उनके अंदर हिम्मत ताकत हो जुनून हो तो हम लोगों का सामना करें। वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है, कैसे संपत्तियों को हथिया लिया जाता है और फिर उस जमीन को बेचकर कैसे रुपयों का गड़बड़ झाला किया जाता है, इसकी सच्चाई वो लोग अच्छी तरह जानते हैं जो वक्फ बोर्ड में रहते हुए उसकी बारीकियों को जानते हैं। मुस्लिम समाज में किसी तरह का भ्रम ना रहे, इसलिए हमने ऐसे ही दो लोगों से बात की, सुनिए उन्होंने कैमरे पर क्या बताया। आप वक्फ बोर्ड का ऑफिस जाके देखिए, ऐसा लगेगा कराची में आ गए हम। भाई ये सरकार का ऑफिस है तो वहाँ कोई हर कास्ट का आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है, सलवार कमीज पहनते हैं, आ जाते हैं सुबह उठ करके, फिर वो चले जाते हैं वहाँ से। वहाँ ड्रेस कोड भी होना चाहिए, वहाँ हर कोई बहन थोड़ी है कि वहाँ हिंदू अधिकारी नहीं रहेगा। जब आप हिंदू ऑफिसर को वहाँ रखेंगे तो उसको डर रहेगा कि मेरी पीएफ मेरा जमा है, मेरा तो गलत काम करने को घबराएगा। मगर ये क्या है कि ये होता क्या है, टाइमली आते हैं टाइमली जाते हैं, वो गलत काम करते रहते हैं अपनी जलेबी जलेबी वाली भाषा में, और रजिस्टर में अपने लिख दिया कुछ भी और वो वही पढ़ के सुना दिया, क्योंकि दूसरा पढ़ नहीं सके कि हम क्या गोलमाल कर रहे हैं। कोई ये समझने की ज़रूरत है, बिना आपस में बिना सोचे समझे बिना राय किए है किस तरह की प्रोपगंडा नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि किसी तरह का कोई भी कानून बने इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि जिस उद्देश्य से वक्फ की प्रॉपर्टी को दान किया गया था, डोनेट किया गया था भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम, अगर उस उद्देश्य के लिए सरकार कानून बनाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग सरकार के नए स्टेप के बाद जिन बातों को बता रहे हैं, क्या वो मुस्लिम मोहल्लों में ठीक उसी तरह से पहुंच पाती है, हमने ये भी समझने की कोशिश की, सुनिए क्या सामने आया। ट्रिब्यूनल उसको एग्जामिन करती है, दूसरे पक्ष को सुनती है और सुनने के बाद एक निर्णय करती है। तो जमीन का छिनना तो मेरे समझ में नहीं आता कि कोई जमीन छिन जाएगी। हाँ, एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन की बात कह सकते हैं और मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन की बात आप कर सकते हैं। सरकार कोई एक लॉ लाती है, लाना चाह रही है, अगर वो चाह रही कह रही है कि इसको बेटरमेंट के लिए ला रही है, तो वो तमाम उन लोगों को उससे कॉन्टेक्ट करके कि आप इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इससे कैसे कम्युनिटी का बेनिफिट हो सकता है, इंटायर नेशन का कैसे बेनिफिट हो सकता है। तो वफ का तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि वो किसी जाति की मिल्कियत तो है नहीं, ना जाति के बेनिफिट के लिए है, वो तो पूरे देश के लिए। तो गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज लाए जिससे जो है इससे देश का फायदा मिले। भाई जो यतीम खाने खुलेंगे तो उसमें बेचारे बच्चे तो पढ़ेंगे, उसका डेवलपमेंट करे, सरकार खुद उसमें फंड लगाए। करनी और कथनी में कोई फर्क ना हो अगर तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तो कहा कुछ जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस किस्म का अभी कुछ फील्ड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वापस पाने में आसानी होगी तब तो बेहतर है कि भूमाफिया कब्जा करके बैठे हैं। वक्फ की ज़मीन का मतलब ये होता है कि गरीबों की और धार्मिक से रिलेटेड फ़ायदा पहुँचे, लेकिन ऐसा फ़ायदा तो पहुँचता नहीं है। वक्फ़ की जो भी ज़मीनें हैं और लोग रेंट में यूज़ करते हैं बना के या फिर किराए पे चला रहे हैं, तो ये गलत है। अगर इसमें कुछ जेन्युइनली हो रहा है तब तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर गलत है। मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों के जरिए सरकार वक्फ पर फैले भ्रम को भी दूर करने के पक्ष में है, विपक्ष के विरोध को भी सहमति बनाने की कोशिश जेपीसी के जरिए हो रही है, लेकिन सवाल है कि क्या वक्फ बोर्ड पर मचा बवाल थमेगा, क्योंकि नए प्रावधानों में कुछ ऐसी बातें हैं जो वक्फ के समर्थन करने वालों को समझ नहीं आ रही। नए प्रावधानों के बाद वक्फ को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में दर्ज करानी होगी। एक्ट में बदलाव के बाद वक्फ की मनमानी के खिलाफ कोर्ट में अपील की जा सकेगी। और सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को बिना सबूतों के अपना नहीं बता सकता। हालांकि इतना तय है कि वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार चलती रहेगी। सरकार का सुधार को लेकर तर्क है, जबकि विपक्ष विरोध का बहाना बनाकर मुस्लिम समुदाय को कंफ्यूज करने का मंसूबा पाले हुए है। वाराणसी से आशुतोष सिंह,
और दिल्ली से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत।